देखिए सरपंच अपना काम कर रहे हैं, सरपंच अपना काम करने में लग चुके हैं, जो सरपंच है वो काम कर रहे हैं गांव में, विकास कर रहे हैं गांव का। अभी प्रोटेस्ट कौन कर रहे हैं ये क्वेश्चन मार्क लगाता है। वो स्टेटमेंट देते हैं सरेआम मीडिया के सामने स्टेजों पर खड़े होकर कि 1.5 करोड़ रुपये लगाए। कोई कहता है मैं 5 किले बेच के बढ़ा। क्या आप 5 किले या 1.5 करोड़ रुपये लगा कर सरपंच बने हैं, या फिर उसको किस ढंग से आप यूज करना चाहते हैं? मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। हरियाणा प्रदेश की जनता समझदार है, वो सब जानती है ये प्रोटेस्ट कौन लोग कर रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि हमारी चाहे पंचायतें बनी, हमारे पंच सरपंच साहिबान बने हैं, ये हमारी ब्लॉक समितियाँ बनी हैं, उनके सदस्य साथी हमारी जिला परिषद बनी है, सब अपने काम पे लगे हुए हैं। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इक्का दुक्का हर ज़िले में हैं ये लोग, इन लोगों को एक लाइसेंस चाहिए। अब वो लाइसेंस किस चीज़ का, लोग सब समझते हैं। सरकार जो पैसा गाँव के विकास के लिए भेज रही है, उस पैसे का गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से डेवलपमेंट पे लगे और आम नागरिक को उसकी जानकारी हो। जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार काम कर रही है। उनका ये भी कहना है कि जो 100% जैसे टेंडर लगता है उसका वो 70% भी उठा लेते हैं, 60% उठा लेते हैं, उससे काम की क्वालिटी लो होगी, पारदर्शिता में कमी आएगी, हमारी मॉनिटरिंग घटी है उस कारण से काम वैसी क्वालिटी का नहीं हो पाएगा, उस लॉजिक का आप क्या जवाब है? देखिए अब ये पूरा विश्व, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हरियाणा प्रदेश, सिर्फ हमारे पर्टिकुलर 15-20 लाख रुपये काम को छोड़ के टोटल आज से नहीं, जब ये टेक्नोलॉजी आई, ये टेंडर प्रोसेस किसी काम हो रही, तो जब मेरे डिपार्टमेंट के अंदर भी स्ट्रेंथनिंग है, इंजीनियरिंग विंग है, हमने उसमें स्ट्रेंथनिंग किया, आपने देखा होगा जेईज की कमी थी हमने पूरा करके दिया है। हमने इनका एक सुझाव आया था कि समय ज़्यादा लगता, हमने समय कम करके दिया, जो समय आने वाले समय में जो बड़े कामों के लिए 21 दिन था, हमने छोटे कामों के लिए उसको सिर्फ 7 दिन कर दिया है, और 7 दिन का एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल से लेकर इंप्लीमेंट करने तक की पावरें चुने जनप्रतिनिधियों के पास दे दी हैं। जो फाइलें 10-15-20 लाख तक कि भी ऊपर जाती है चंडीगढ़, वो सारी की सारी अब ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, कमिश्नर लेवल पर हमने उनको पावर को नीचे देने का काम किया। मैं आपके माध्यम से फिर बार बार ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इसको राजनीतिक रूप ना देके आपको बड़ी उम्मीद के साथ आपके गाँव वासियों चुना, आप अपने काम पर लगें, इंप्लीमेंट करें, इस पर काम पर तो लगें। अभी तक तो ट्रेनिंग नहीं हुई, आपकी ट्रेनिंग भी अब शुरू होने जा रही है अगले 1-1.5 वीक में, जो हमारे पंचायत राज के जो क्या क्या जिम्मेवारी है। दलील दे रहे हैं कि पीछे गड़बड़ सरपंचों ने की होगी, वो तो आप सुन के आए हैं, उनको आप चोर की नज़र से कैसे देखा जाता है, उनके काम को देख काम में आप एक गुणवत्ता के लिए एक जवाबदेही, एक अकाउंटेबिलिटी सरकार चाहती है। पहले के सरपंचों पर आपने देखा होगा कि एक पैसे के गमन के कितने बड़े बड़े, तो उसमें अधिकारी कर्मचारी भी रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं हुई? हमने कार्रवाई की, सख्त कानून में कार्रवाई हुई, अपने पिछले 28 तारीख से मुझे जिम्मेवारी मिली, उसके बाद उठा के देख ली इस पूरे साल को। आज ये नए बनकर आए हैं, मैं फिर इनको इंश्योर करता हूँ कि आप इसमें काम पर लगें, और जो ये हमारे को साथी घूम रहे हैं, पहले खुर्दबुर्द होता था भाई, ये मैं इनको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये पैसा अब खुर्दबुर्द नहीं होगा। सर सरपंच खुद उदाहरण दे रहे हैं आपके एरिए का, कह रहे हैं कि जो कच्चे रास्ते थे ई टेंडरिंग से वो बनवाए गए पक्के, लेकिन वो पक्का नहीं बना सिर्फ। अरे भाई अब हम खड़े हो, मैं किसी को कुछ कहूँगा, वो सारे के सारे जो काम हैं, देवेंद्र सिंह बबली जब तक इस सीट पर बैठा है बैठे ही रहेगा, ये बढ़िया तरीके से होंगे। अब इनके अंदर जो भाई ये 1.5 करोड़ और ये 5-5 किले बेचने वाली बात करें, वे तो वापसी मेरे को नजर नहीं होते आने वाले समय में हो पाएंगे। ये पैसा हमने जनता के डेवलपमेंट के लिए दिया है और जनता के डेवलपमेंट के लिए लगेगा, ये सरकार की ड्यूटी है, अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी है, उसको हम लगवा के गांव का विकास और प्रदेश को प्रगति की तरफ बढ़ाएंगे।